हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो ये शाम का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ, शाम की चाय बना रही हूँ। और अभी मेरा शाम का सारा काम पड़ा हुआ है, मैंने अभी कोई काम नहीं किया है। तो अभी मुझे बर्तन धोने हैं, मेरे दोपहर के सारे बर्तन। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बुमलेस पूजा चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, खाना बनाना है, अभी मुझे खाना बना लेते हैं और बाकी क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग उसके से मिलेंगे फिर दोबारा। तो चलिए, थोड़ी देर में मिलते हैं। और मैं शाम के खाने, रात के खाने में बना रही हूँ चौलाई का साग, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, चौलाई का साग आया है, मैं इसको देखती हूँ क्या बनाती हूँ, उसका साग या दाल बनाती हूँ। ये क्या है? अच्छा, ये करमुआ का साग है। ठीक है, ये करमुआ का साग है, तो इसको मैं दाल में बनाऊँगी या फिर आलू डाल के बनाऊंगी। दोनों ही तरह से बनाओ, दोनों ही टेस्टी लगते हैं। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो चले, और मेरी चाय बन गई है, बस उबाल अभी नहीं आया। तो चलिए, चाय बना लेते हैं और चाय पीने के बाद फिर मैं काम करूँगी बाकी। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना बन गया और मैंने जो है करमुआ की दाल बनाई है। ये उड़द की दाल में बनती है, जो काली दाल होती है उसकी दाल में डाल के बनते हैं, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन बच्चों को नहीं पसंद आया, उनको आलू वाला ज़्यादा पसंद आता है, जो आलू में डाल कर बनाते हैं करमुआ का साग। तो ये देखिए मेरी थाली, और आप लोग भी आ जाइए, खाना हमारे साथ खा लीजिए। और मेरी बेटी ने चावल और साग थोड़ा सा खाया नहीं इसने। तो फिर उसके बाद खाना फिनिश करने के बाद ये मैंने दूध गर्म करके रख दिया ठंडा होने के लिए। इसकी मैं दही जमाऊँगी क्योंकि कल हल छठ है, तो उसमें दही लगेगी। और ये साग मैं काटना है मुझे अभी, और मेरा बेटा दूध पी रहा है और मेरी बेटी भी दूध पी रहे हैं क्योंकि सुबह दूध नहीं पीती। और ये दूध पीने में इतने नखरे करते हैं, इनको दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसको गुड़ दिया हुआ वो चाट चाट के तो दूध पिएगी ये। तो चलिए, इनको दूध पीने देते हैं। और मेरा बेटा तो दूध में ही गुड़ डाल के उसको हिला हिला के खूब मीठा कर रहा है, क्योंकि इनको मीठा होना चाहिए, दूध तभी पीते हैं। और मैं इनको चीनी वगैरह नहीं देती हूँ दूध में, इनको ऐसी देती हूँ दूध। तो ये देखिए, मेरा सारा काम पड़ा हुआ है और इसको अभी सारा समेटना है, लेकिन मैं रात को नहीं समेट सकी क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, सारा छोड़ दिया और फिर सुबह मुझे करना पड़ा था। तो चलिए, और मैं ये नेक्स्ट सुबह का है, तो मैं पूजा के लिए पूरियां निकाल रही हूँ। तो सात जोटा पूड़ियां निकलते हैं, मतलब एक सात जोटे पूड़ियां, तो दो पूड़ियों का एक बनता है, बनाते हैं इसको। और बगल में मैंने कटोरी रखी है, कटोरी में दही है और महुआ और चना, काले चने हैं वो भिगो के रख दिए हैं, ये भी इसी पूजा में लगेंगे पूरी। और ये जो दही और चना और महुआ, ये दो सारा इकट्ठा रख के तो बनता है, पूजा होती है इसकी। तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, मैं भी डिटेल में नहीं बता सकती, तो जैसे मेरी सास ने बताया मैं वैसे कर लेती हूँ। तो ये देखिए, बन गई सारी पूड़ियाँ। और उसके बाद मैंने पूजा कर ली, तो ये देखिए ये लगा दिया और हवन छोटा सा किया था। और ये सिंदूर और काजल से बनाया जाता है, बेटे की चेहरा बेटा बनाया जाता है। और ये जो है मिट्टी के छोटे छोटे वो ढिलकी और गौरी माता हैं, तो उनकी पूजा होती है। और ये छूल के पत्ते हैं, ये भी रखा जाता है। तो उसके बाद वो पूजा करने के बाद जो है ये जो खाना होता है ये बाहर डाल देते हैं, चिड़िया गाय वगैरह खा लेती है। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मेरी पूजा हो चुकी है, आज छठ की पूजा, छठ जिसे हल छठ बोलते हैं, हल छठ की पूजा हो चुकी है। तो अब मैं बच्चों के लंच की तैयारी करूंगी और नाश्ते की भी तैयारी कर ली है, क्योंकि बच्चों और हस्बैंड को जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है और हस्बैंड को जो है ड्यूटी करने जाना है। तो चलिए, बाकी के भी काम कर लेते हैं। और सुबह 4 बजे से उठी हूँ क्योंकि रात को मैंने बर्तन वगैरह नहीं धोए थे और कोई भी काम नहीं किया था, ना झाड़ू पोछा बर्तन रात को नहीं किया था, इसलिए मुझे सुबह उठ के सारा काम करना पड़ा। और अभी मुझे कपड़े वगैरह भी धोने हैं, तो देखती हूँ कब धोती हूँ, अभी धोती हूँ या शाम तक धोती हूँ, तो वो अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो चलिए, काम कर लेते हैं। और कल मेरी वीडियो का एंड भी नहीं हुआ, तो इस वीडियो का आज एंड करूँगी।
तो आप लोग वीडियो में प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत कीजिए, किया करो, और फुल वॉच करके तो सब्सक्राइब किया करो। अगर फुल वॉच नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ आप लोग जो है 3 मिनट की वीडियो ज़रूर वॉच करके सब्सक्राइब किया करो, नहीं तो जो है अन हो जाता है। यूट्यूब वाले जो होते हैं वो अन कर देते हैं, आपका जो हमें गिफ्ट दिया होता है वो नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग 3 मिनट की वीडियो वॉच करके तब सब्सक्राइब कीजिए करो, किया करो। तो चलिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बच्चे अभी तक सो रहे हैं और मेरे बच्चे के टी शर्ट पे छापे लगे हैं दोनों हाथ के मेरे। ऐसा होता है, पूजा में भी छापे लगाए जाते हैं। तो ये देखिए हो गई मेरी पूजा, और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए कल फिर मिलेंगे।